हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है आस्था फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे आप सब, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, हम लोग हो चुके हैं रेडी। तो हम लोग जा रहे हैं एक एंगेजमेंट फंक्शन में, तो हमारे मोहल्ले के ही हैं। तो सुबह दावत आई थी, तो बस अभी जो एंगेजमेंट का प्रोग्राम है वो शाम का है। तो बस अभी चलते हैं और जो फंक्शन है वो अटेंड करते हैं। तो आप लोग भी चलिए साथ में, और यहाँ पे किस तरीके से सगाई होती है वो भी आप लोग को साथ शेयर करेंगे। वैसे आप लोगों ने तमन्ना की सगाई तो देख ही ली है, तो आप लोग आज ये भी देखिए। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए हम आए हैं सिमरन बाजी की सगाई में, उनके भैया और उनके भैया की है, दोनों की सगाई है। तो एक ही घर में जा रहे हैं दोनों? अलग अलग है। तो वो लड़की आई है? लड़की भी आई। लड़की के बारे होगी थोड़ी देर से। लड़की कहाँ पर है? लड़की पता ही नहीं कहाँ पे दिख रही है। अच्छा, वो भी आई है? मतलब है आई है तो अपन देखेंगे जरूर है। तो सिमरन बाजी तो बहुत सुंदर लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। वहाँ पे बैठी हुई है, तैयार है बिल्कुल। और आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि वो कैसी लग रही है इंशाल्लाह। और साथ ही में सब मेहमान भी, यहाँ पे बहुत सारे मेहमान है। देखो बैकग्राउंड में देख, पूरा स्टेज जो है पूरा भर रहा है फुल। आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कितना स्टेज पे कितनी भीड़ है, इसलिए हम स्टेज पे जा नहीं पा रहे क्योंकि कितनी गर्मी लग रही है। बहुत भीड़ हो रही है, वही तो बहुत ज्यादा भीड़ नहीं मिल रहा है। वीडियो बनाने वाला महिला बना, तो ये वीडियो के लिए बोल रही है कि वीडियो बन जाए। चला रही है सड़क पे बनाएंगे, तो ये कुछ रील्स बनाने के लिए जा रहे हैं। ये लोग दोनों बना रही है रील्स अपनी अपनी, और मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी इसलिए मैं यहाँ पे आ रही हूँ। तो बस यहाँ पे इनाया का हो गया है खेल स्टार्ट। इनाया और आलिया तो बस दोनों जो है ना खेलना स्टार्ट कर दिया, उनकी फ्रेंड मिल गई। तो बच्चों का तो यही रहता है, चाहे शादी में जाओ चाहे सगाई में जाओ किसी में भी फंक्शन में जाओ, बच्चों को तो खेल कूद स्टार्ट हो जाता है। और बस मैं यहाँ पर बैठी हुई, क्योंकि जब हम लोग आए थे तो भैया यहीं पर बैठे हुए थे, तो बस मैं भी यहीं बैठ गई और उनसे बात वगैरह करने लगी। क्योंकि उन्होंने कल बताया था कि उन्हें बुखार आ गया था, तो बस उसी के बारे में पूछ रही थी कि अब तबीयत वगैरह ठीक है। तो बस यही बातचीत हमारी चल रही थी। मेरा आई शैडो देखो, मेरा लाइनर देखो, मेरी दिख ही नहीं रहा आई शैडो, अभी कल का लगाया हमने तो भी दिख रहा है। हमारा आई शैडो सिर्फ एक रहता है, एक ही सेट लगाते हैं, हमें और लगाने नहीं आते ज्यादा। लगाने का मतलब नहीं है, हमें अच्छी नहीं लगती है, दिखती है अजीब लगने लगता है, फिर ज्यादा लगा। उसने नहीं लगाया तुमने? गई थी शादी में, काला पूरे आगे काली काली लग रही थी। हमें तो ये अच्छा लगता है इसलिए हम ज्यादा गोल्ड, बस गोल्ड कलर का या फिर थोड़ा हल्के सुरमई कलर का, ऐसा कलर अच्छा लगता है हल्के हल्के। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है रसम, और यहाँ पे सारे जेंट्स लोग बैठ गए हैं। पहले लड़के को रोका जाएगा तो इसलिए सारे जेंट्स लोग बैठ गए हैं, और पहले लड़के की ही रसम होगी। तो हमारे यहाँ पर जो है ना पहले लड़के की ही रसम होती है, और इसको सगाई भी कहा जाएगा और रोकना भी कहा जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना लड़के को जो है ना इस तरीके से रोका जा रहा है। तो आप लोग देख लीजिए कि हमारे साइड किस तरीके से होता है। तो लड़के को यहाँ पर अंगूठी पहना दी गई है। तो पहले के ज़माने में जो है ना इसी तरीके से सगाई होती थी, और अभी भी मतलब काफ़ी सारी जगह ऐसे ही होती हैं। आप लोग देखते भी, बहुत कम देखा जाता है कि जो रिंग सेरेमनी है वो रखी जाती है, लड़का लड़की एक दूसरे को पहनाते हैं। लेकिन नहीं, हमारे साइड ना इस तरीके से ही जो है ना घर के जो बड़े होते हैं ना वो पहनाते हैं लड़के को अंगूठी। और यहाँ पर जो है लड़के की रस्म हो गई, अब जो लड़के के पापा हैं उनको अंगूठी पहनाई जा रही है। तो मतलब ये खुशी की बात है कि अपनी तरफ से अगर लड़की वाले लड़के वालों को जितना देना चाहे, जिस चीज को देना चाहे तो वो होता है। तो यहाँ पे जो है ना ये लड़की के दादा हैं जो लड़के अपने समधी को जो है ना अंगूठी वगैरह पहना दिए और जो भी कपड़े वगैरह वो दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये रस्म हो रही है, और आज जो है ना यहाँ पे लड़की का भी रिश्ता हो रहा है और लड़के का भी, मतलब दोनों बहन भाइयों की का जो सगाई का प्रोग्राम है वो एक साथ रखा गया है। और मैं बता दूं कि मैं किन के यहाँ पर आई हूँ, तो ये मेरे मामू लगते हैं जिनके यहाँ पर मैं आई हूँ। तो मेरे मामू के लड़का और लड़की की सगाई है दोनों की ही। तो ये मेरे मामू की लड़की है जिनकी इंगेजमेंट हो रही है, तो अभी लड़के की रस्म हो चुकी है। ये लड़की है जिसकी अब गोद भराई होगी, तो हमारे साइड ना गोद भराई बोलते हैं, लड़की का जो कहते हैं ना कि गोद भर दिए, तो यहाँ पे ये होता है।
तो यहाँ पे जो ससुराल वालों की तरफ से जो सारा सामान आया है वो यहाँ पे लगा हुआ है, जो भी वो कपड़े हैं, ज्वेलरी है और मिठाई, फ्रूट्स, जो भी मेकअप का सामान, मतलब सारे कुछ जो भी रहता है और जो वो अपनी खुशी से लेकर आए अपनी बहू के लिए। तो यहाँ पर जो है ना, अब लड़के की रस्म तो हो चुकी है, तो अब लड़की को जो भी वो ज्वेलरी वगैरह, गोल्ड वगैरह लेकर आए हैं, वो सारा चीज़ें यहाँ पर पहना रहे हैं। और माशाल्लाह जो लड़की है बहुत ही सुंदर लग रही है, और सगाई हो या फिर शादी हो, नूर तो बिल्कुल अलग से ही आ जाता है। तो बस यहाँ पे जो लड़की को है अंगूठियाँ पहना रही हैं, तो जो उनके साइड की बड़ी हैं वो पहना रही हैं। तो यहाँ भी आपको ये नहीं दिखेगा कि लड़का रिंग पहना रहा है, तो हमारे साइड मतलब ये बहुत ही कम होता है। तो बस यहाँ पे ये सभी जो है ना, लड़की को जो भी चीज़ें पहनानी है उनको, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पहना रही हैं, ज्वेलरी वगैरह। और बस इस तरीके से जो है ना, गोद भराई हो जाएगी, दुपट्टा उड़ा दिया जाएगा, और फिर जो गोद भराई में दिया जाता है फ्रूट वगैरह, पैसे वगैरह, वो सारी चीज़ें, ऐसी रस्म हो जाएगी। और मैं बस इनको देखकर ऐसे, मतलब जब मैं ऐसे किसी लड़की की सगाई वगैरह में अब जाती हूँ ना, तो यही सोचती हूँ कि कब मतलब बच्चे बड़े हो जाते हैं और ये दिन आ जाता है। तो मतलब मैं भी मतलब ये सोचती हूँ कि गुलाब सा और जीसान है जैसे, तो उनका भी दिन आ जाएगा, तो कब बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि मतलब ये दिन भी हमें मतलब आ जाता है, इतनी जल्दी लड़कियाँ पराई हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे ये भी सगाई की जो रस्म है वो चल रही है, और काफ़ी सारे लोग हैं जो हमें मिले। और मतलब ऐसा होता है कि हम शादी में जाएं या सगाई वगैरह में जाएं, तो हमारे काफ़ी सारे जो रिलेटिव हैं वो हमें मिल जाते हैं, जिनसे हम काफ़ी टाइम से मिले भी नहीं होते हैं। तो शादी वगैरह में जाने का यही फ़ायदा रहता है कि हमारा जो है ना, सबसे मिलना हो जाता है। तो बस यहाँ पे ये जो है ना, गोद भराई की रस्म हो रही है, सगाई हो चुकी है और ये अब गोद भराई की रस्म हो रही है, और अब जो शादी है वो जितने टाइम की इन्होंने तय करी होगी तो उतने टाइम में शादी होगी। तो बस अभी यहाँ पर जो भी मिठाई वगैरह मुंह मीठा कर रही है लड़की का, तो वो यहाँ पर ये रस्म चल रही है सभी की। तो ये ससुराल साइड के हैं, मायके साइड के भी हैं सभी लोग, और मतलब जो शादी है, रिश्ता है, वो रिलेटिव वालों में ही किया है, जान पहचान वालों में ही किया है, कोई अलग से भी नहीं है। तो ये अच्छा भी लगता है, जैसा कि मैंने बोला भी था पहले अपनी वीडियो में जब तमन्ना का रिश्ता हुआ था, कि जान पहचान में होता है ना तो अच्छा रहता है, कि हम सबको है ना पहले से जानते होते हैं। और अगर हम कहीं बाहर के दूसरे अनजान इंसान के साथ रिश्ता जोड़ते हैं तो उनको जानने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन यहाँ सब एक दूसरे से मतलब जुड़े हुए हैं, जो भी लड़की जा रही है, लड़का जा रहा है, तो वो सारे रिश्ते जुड़े हुए हैं एक दूसरे के, कोई किसी का कुछ लग रहा है, कोई किसी का कुछ लगता है, तो इस तरीके से। तो जो लड़की का भाई है उसका भी रिश्ता है, तो जो ब्लैक शर्ट में आपको दिख रहा है, वाइट शर्ट के बगल में, उनका भी रिश्ता आज ही होगा, मतलब उनकी भी सगाई आज ही होगी, तो बहन भाई दोनों का ही रिश्ता आज हो रहा है। और बस यहाँ पे जो भी मतलब बांटना था सूट वगैरह जिसको देने थे, तो वो यहाँ पे देने हैं, और बस यहाँ पे अभी यही काम चल रहा है, और जो भी वो सामान लेकर आए थे तो वो सारा सामान दे रहे हैं लड़की वालों को। तो बस यहाँ पे अभी ये रस्म हो चुकी है, और आगे आप लोग देखोगे कि भाई की जो रस्म होगी वो। हेलो गाइस, माय नेम इज तमन्ना खान, ये मैं हूँ, ये मेरी सिस्टर पार्टी की है। हेलो, हम देखो सामने, हेलो हाय, हम लोग कानपुर से आए हुए हैं, मेरी सिस्टर की बच्ची की सगाई हुई है, मैं वो कानपुर यशोदा नगर सिविल मछलियाँ से आई हुई है, जैसे मैं हूँ, मैं उनका भाई हूँ, वही मेरी सिस्टर है सामने, कानपुर से आई हुई है, ये मेरे बहन साहब है कानपुर आए, छोटे वाले, ये बड़े वाले हैं, ये बड़े वाले हैं, तो छोटे भाई है, ये हमारे आगरा एक कला के लड़के हैं, तो हम वगैरह वाले बहुत सारे लोग हुए, ये हमारी मांगे रहे हुए सगाई में शामिल लोग आए हुए, और ये बहुत से गेस्ट रिश्तेदार वाले आए हुए हैं, सभी रिश्तेदार हैं, ये सारे रिश्तेदार यशोदा नगर से ब्लॉक घंटाघर से आए हुए मछलिया से, मुरैना की है प्रेजेंट की, बस पापा की बोलता है, पापा की बोल दिया, ये मेरा भतीजा है, इसी के लिए मेरे भाजी है, और नाम क्या है, नाम इसका इमरान खान, इमरान खान, इधर देखिए सामने थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे जो है ना, अभी मैं ऊपर आ गई हूँ स्टेज पे, और यहाँ पे मिल गई हैं मेरी मम्मी की ननद, तो बस यहाँ पे मैं उनसे बातें कर रही हूँ, और वो जब भी मुझे मिलती हैं ना, तो वो बस यही बोलती हैं कि तुम बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी लगती हो,
और मतलब अपनी मम्मी की, मेरी मम्मी की जो है ना सारी बातें बताती हैं कि हम लोग किस तरीके से रहते थे और किस तरीके से मतलब हम लोग बातें करते, तो बोलती हैं हम लोग बिल्कुल बहनों की तरह रहते थे। और अच्छा भी है, जहाँ ननंद भाभी अगर बहनों की तरह रहती हैं तो वहाँ रिश्ता बहुत मजबूत रहता है। और बस ये अपनी लड़कियों से मिलवा रही थी और जिनकी अभी शादी भी हुई थी उन लड़की से मिलवा रही थी। और यहाँ पे मैं सूट वगैरह दिखा रही हूँ, जो भी सूट वगैरह ये बटने के लिए आए हैं, मतलब जो लोग वो लोग देने के लिए लाए हैं। तो बस यहाँ पे जो अब लड़के का रिश्ता हो रहा है ना, जो अपने बेटे की सगाई कर रहे हैं, अब इनका सामान जम गया है यहाँ पे। तो दो दो प्रोग्राम एक साथ ही हैं, तो अब हम लोग देखेंगे कि दूसरी सगाई किस तरीके से होती है, तो वो भी सेम इसी तरीके से होगी। लेकिन यहाँ पे लड़की नहीं है, सिर्फ लड़के का ही हो रहा है, लड़की नहीं आई है। और बस यहाँ पे जो है ना बुलबुल भी आई हुई है, तो बस वो भी यहीं पर खड़ी हुई थी, तो बस हम लोग बातें कर रहे हैं। और हुरैन को लेकर नहीं आए, तो आज मैंने हुरैन को जो है ना बहुत मिस किया। लेकिन ऐसा होता है ना कि जब जहाँ भी माँ जाती है तो वहाँ बेटी भी रहती है साथ में, तो मैंने जब उसको देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि हुरैन भी साथ में होगी। तो मैंने सबसे पहले यही पूछा कि हुरैन नहीं आई, तो बोल रही थी कि वो सो रही थी, परेशान होती गर्मी में, तो इसलिए मैं लेकर नहीं आई। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन लगता है कि वो होती तो मैं उससे मिल लेती। चलो कोई बात नहीं है। तो बस यहाँ पर जो लड़के का रिश्ता है ना वो होने लगा है, मतलब जो सगाई की रस्म है वो होने लगी है। तो लड़के को जो भी दिया जा रहा है, सामान वगैरह दिया जाता है, तो वो भी यहाँ पर दे रहे हैं। और बस अभी हम लोग जाएंगे खाना वगैरह खाने, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया था। हम लोग बस ऐसे ही बातों वगैरह में, सबके बातों में लगे हुए थे। कभी कोई मिल जा रहा था, कभी कोई, और यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे सब्सक्राइबर भी मिले, क्योंकि जो रिश्तेदार हैं वही हमारी वीडियो भी देखते हैं। तो अगर हम शादी वगैरह में जाते हैं तो वो लोग मिलते हैं, तो फिर वो बताते हैं कि हम तुम्हारी वीडियो देखते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और यही प्यार की वजह से वीडियो बनाना भी अच्छा लगता है। बस आप लोगों का ऐसा ही प्यार बना रहे, साथ बना रहे, और मैं भी ऐसे ही आगे वीडियो बनाती रहूँगी। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग बैठ गए हैं खाना वगैरह खाने, और बस खाने में वही नॉनवेज था, मटन और जर्दा और रोटी, नान रोटी, और जो खाना था ना मसाला बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग बैठे हुए हैं, और हम लोग आए थे जो हमारे पड़ोस में रहती हैं, तो उन्हीं के साथ में आए थे, भाभी बोलते हैं हम उनको, तो बस उन्हीं की लड़कियाँ अभी भाभी ने, वैसे हम लोग सोच रहे थे भाभी भी खाना खाएंगी, लेकिन अभी उनके परिवार के मतलब जो उनके बड़े हैं, सास वगैरह हैं, तो उन्होंने खाना नहीं खाया था, तो वो बोल रही थी कि मैं उन लोगों के साथ में खाऊँगी, तो फिर इसलिए हम लोगों को वापस जाना था। तो बस हम लोग यहाँ पर खाना वगैरह खाने बैठ गए, फिर हम लोग घर जाएंगे। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, तो खाना वगैरह भी हो गया है, मसाला खाना बहुत टेस्टी था, और जो सगाई की रस्म है वो भी हो चुकी हैं, थोड़ी बहुत और चल रही हैं, तो अभी देर तक चलेंगी, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि जो इनाया है ना वो पहले से ही चली गई घर, तो इसलिए अब हमको भी जाना पड़ रहा है, क्योंकि इनका फ़ोन आ गया था कि इनाया रो रही है। तो चलिए घर चलते हैं, और आज का फंक्शन हो गया है यहीं पर खत्म। दोनों एक से ही है, दोनों एक से ही, इस वीडियो को कर देना लाइक, ओके फ्रेंड्स, और ये चैनल को कर देना सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय बेटू, बाय 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 बाय।